हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण। प्रश्नावली 6.2 चल रही थी अपनी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपन इससे पहले वीडियो में कर चुके थे। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एच टी के, ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू ये समांतर है एच टी के, ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर है, और पी क्यू आर 180 डिग्री का है। ये पी क्यू आर कोण 180 डिग्री का है, और इसके अलावा ये कोण आर एस टी 130 डिग्री का है, तो ज्ञात कीजिए क्यू आर एस ये कहाँ है। ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हल देखिए इसका। इसमें एक आपको संकेत भी दे रखा है कि आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे। बिंदु आर से होकर एच टी के समांतर एक रेखा खींचेंगे अपन। ये जो बिंदु आर है ना, इससे एक अपन ऐसे एक समांतर रेखा खींचेंगे जो एच टी के समांतर हो। एक रेखा खींचेंगे आर से होती हुई जो क्या हो, इस एच टी के समांतर हो। एच टी के समांतर है तो इसके भी समांतर ही होगी। इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, ए बी कुछ ऐसे लिख दो और क्या। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी समांतर एच टी बिंदु ए बी समांतर एच टी बिंदु आर से होते हुए खींची, ठीक है, खेच दिया आपने ये। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, आपको दिख रहा होगा ये इसके समांतर था तो ये, और ये इसके समांतर है, मतलब तीनों ही आपस में समांतर हो गए ना। आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि ये जो पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण देखो, ये इसके समांतर है, ये खुद इसके समांतर है, मतलब तीनों आपस में समांतर हो गई, तो ये भी तो इसके समांतर हो गए, तो जेड बन रहा है। अगर ये 110 है तो ये पूरा कोण भी 110 होगा, ये पूरा कोण भी 110 होगा। अगर अपने कहीं से ये वाला कोण पता लग जाए, ये वाला कोण पता लग जाए, तो अपन 110 में से इसको माइनस कर देंगे इस वाले कोण को, तो ये वाला कोण बच जाएगा ना, और यही तो ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, ये वाला कहाँ से पता लगेगा, देखो दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो रेखाएं समांतर हो, एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो तिर्यक रेखा के ए की तरफ बने दोनों कोणों का योग, दोनों समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के ए की तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये और ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, 110 में से माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 130 डिग्री दे रखा है ना ये, ठीक है। देखो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस एस टी व समांतर है इसके ए बी के, तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है, या फिर जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, एक में सेकंड में या फर्स्ट में जिसमें भी, वैसे लिख सकते हो आप कि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो पूरी लाइन लिख लो, या इतना बता दो कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो फिर जो भी नियम लग रहा है आप लगा सकते हो कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां से, कि कोण आर एस टी था ना इसका नाम, नाम क्या था इसका, आर एस टी कोण एस आर बी प्लस आर एस टी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना। अब देखो एस आर बी आपको निकालना है और आर एस टी 130 डिग्री का है, तो एस आर बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, तो एस आर बी बराबर कितना, 50, कितना आ गया 50। आपको एस आर बी नहीं निकालना, लेकिन आपको ये निकालना है, अगर ये एस आर बी आपको पता है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है, 110 है ना, एकांतर कोण बन रहा है ना, 110 ये है, इसमें से एस आर बी 50 माइनस कर देंगे तो ये 60 बच जाएगा ना। अब देखो कोण
कौन सा वाला, ये पूरा जो कोण है ना पी आर क्यू आर बी, कोण क्यू आर बी बराबर किसके है, कोण क्यू आर बी बराबर किसके हैं, इस कोण के पी क्यू आर के, किसके बराबर है पी क्यू आर के, क्यों है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, आपको पता है क्यू आर बी किस किस से मिलके बना हुआ है, एक तो क्यू आर एस से, क्यू आर एस से, और एक किससे, एस आर बी से, और ये आपको पता है पी क्यू आर दे रखा है आपको कितना है, 110 डिग्री है। एस आर बी कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास में क्या बन गया, जो क्यू आर एस है ना वो 110 माइनस 50 आ गया, मतलब कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60। और यही आपको निकालना था कि एंगल क्यू आर एस कितना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 6.32 में ए बी समांतर है सी डी के, ये जो ए बी है ना ए पी, ये सी डी के समांतर है। ठीक है, और ए पी क्यू 50 डिग्री का है। ठीक है, पी आर डी 127 डिग्री का है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एक्स और वाई ज्ञात करने हैं आपको, तो देखिए कैसे करेंगे इनको, एक्स और वाई आपको यहां से ज्ञात करने हैं। देखिए आपको पता है कि दो रेखाएं समांतर एक तीर रेखा काट रही है, तो ये जेड बन रहा है, एक्स भी कितना होगा 50 ही होगा, एक्स भी कितना होगा 50 ही होगा, कारण एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। चाहो तो आप पूरा लिख देना ऊपर कि ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है, इसलिए x 50 होगा एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से देखो आपको पता है कि ये दोनों भी समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी समांतर सी डी तथा ये दिख रही है ना पी आर एक तिर्यक रेखा है, है ना, इस तो 50 प्लस वाई, ये पूरा कोण है ना 50 प्लस वाई बराबर किसके होगा, 127 डिग्री के होगा, कारण एकांतर अंतः कोण। तो यहां से वाई बराबर कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50, 127 माइनस 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 और 7, 77, 77 डिग्री। तो आपको x और y निकालना था, x और y दोनों आपके निकल चुके, ये देखो ये रहा x और ये रहा y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। देखो ये दो दर्पण है पी क्यू और आर एस, दो दर्पण है जो कि एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखे गए हैं, मतलब ये पी क्यू और आर एस समांतर हो गया, सीधी सी बात है। एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित होकर पथ बी सी पर चल जाती है, और दर्पण आर एस पर सी पर टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है कि ये जो है ना ये पी क्यू दर्पण वो आर एस के समांतर है। ठीक है, पी क्यू आर एस के समांतर है,
एक आपतित किरण इस PQ के B पर आपतित होती है और यहां से परावर्तित होकर BC पथ पर जाकर बिंदु C पर RS पे टकराती है और यहां से फिर परावर्तित होकर CD पथ पर परावर्तित हो जाती है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो AB है ना वो CD के क्या है, समांतर है। AB CD के समांतर कब होगी, जब ये वाला कोण दिख रहा है ये पूरा, ये इस कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि दो रेखाएं हैं एक तिरेक रेखा काट रही है, तो अगर इसके एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं समांतर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। यहां से क्या करेंगे अपन, एक तो यहां से बी से होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अभिलंब, एक यहां से एक अभिलंब ड्रॉ कर बनाएंगे अपन ना, एक अभिलंब तो यहां से बनाएंगे और एक अभिलंब यहां से खींचेंगे, इसका नाम दे दो एम, ये हो जाएगा सी एन। इसका ये वाला कोण जो है वो एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, ये वाला तीन नंबर हो जाएगा, ये चार नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अपन ने यहां पर इसका हल देखो क्या कराया अपन ने, बी एम और सी एन दो अभिलंब खींचे हैं ना, लिख देंगे बिंदु बी से तथा सी से दो अभिलंब क्रमशः बी एम तथा सी एन खींचे। ठीक है, अब देखेंगे, आपको ये चीज पता होगी, साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश चैप्टर में, ठीक है, लाइट में, कि एक किरण जब किसी दर्पण पर आपतित होती है तो अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है ना, परावर्तित होते समय भी उतना ही कोण बनता है, मतलब आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तित कोण। ठीक है, इंसिडेंट एंगल जो होता है ना, इंसिडेंट इसके साथ में, इंसिडेंट रे जो इसके साथ में बनाती है, किसके साथ में, नॉर्मल जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर अभिलंब, ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आई और आर लिखते हैं इसको, आई और इसको आर, आई और आर बराबर होता है ना, परावर्तन किसके, अपवर्तन कोण के। अब यहां से देखो आप क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि ये कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के, क्यों, ब्रैकेट में लिख देना आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, साइंस का नियम है। ठीक है ना, ये अब देखो इसी प्रकार से यहां पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी वो भी कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण चार के बराबर होगा, सेम रीजन है, यहां लिख देना इसको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिएगा, एक दो के बराबर है, तीन चार के बराबर है, एक दो के बराबर है, तीन चार के बराबर है, तो यहां से देखिए आपको पता होगा कि ये जो कोण ए बी सी है ना, कोण ए बी सी, इसके अलावा एक चीज और आपको एक चीज पता होगी कि कोण दो बराबर कोण तीन है, कोण देखो ध्यान से, ये अभिलंब होता है ना, अभिलंब वो 90 डिग्री का होता है, ये इसके समांतर है, यहां से अभिलंब खींचा गया, यहां से अभिलंब खींचा गया, तो दोनों अभिलंब भी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर ही होंगे ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे इसको यहां तक लेके आया तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 और ये भी 90, मतलब ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे, टॉस नहीं करेंगे, 90 90 है तो सीधे रहेंगे ना, समांतर ही होंगे, तो ये कोण दो बराबर कोण तीन होगा, क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि दोनों अभिलंब समांतर है एक दूसरे के, तो इनके अंदर ये जेड बन रहा है, तो दो बराबर तीन होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो आगे, आपको एक चीज पता है कि कोण ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या है,
एक प्लस दो है, एक प्लस दो है, एक प्लस दो है, इसका मतलब ए बी सी का मतलब। यहां से एक चीज देखिए किसके बराबर है, एक प्लस दो। अब देखो आप एक की जगह दो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो कितने हो गए, दो कोण दो, कितने हो गए, दो कोण दो बराबर ए बी सी, ये हो गया अपने, ठीक है, किसके बराबर हो गया, दो कोण दो बराबर ए बी सी। अब देखो यहां से अगली चीज, कोण क्या नाम है इसका, बी सी डी, कोण बी सी डी, ये किसके बराबर है, तीन प्लस चार के। आपको पता है तीन की जगह चार या चार की जगह तीन लिख सकता हूं ना मैं, मैंने तीन ही क्यों लिखा वो भी बताऊंगा मैं। ये कितना हो गया, बी सी डी बराबर दो एंगल तीन हो गया, दो कोण तीन हो गया ना। अब देखिए अगर आप इसको समीकरण डालते हो ना, अगर समीकरण डालते हो, मान लो ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, ये समीकरण तीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जो समीकरण दे रखी है ना आपको, दो किसके बराबर है, तीन के, इसी हिसाब से अगर इसको लेके चलो ना आप, इसी हिसाब से अगर इसको लेके चलते हो, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ये दो कहाँ जाएगा, यहां से नीचे, तो मतलब दो का मान कितना आ गया, यहां से दो का मान कितना आ गया, कोण ए बी सी अपॉन टू आ गया। इसी प्रकार से अगर इसको लेके चलते हो, तो कोण तीन का मान कितना आ जाएगा, यहां से दो नीचे आ जाएगा, नहीं है गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 5। अब एक चीज ध्यान से देखो, समीकरण तीन में कोण दो और कोण तीन का मान चार व पांच से रखेंगे, तो यहां पे तो आ जाएगा ए बी सी अपॉन टू, यहां पे आ जाएगा कोण बी सी डी अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा तो ए बी सी बराबर बी सी डी आ जाएगा, कोण ए बी सी बराबर बी सी डी आ जाएगा, इसका मतलब एकांतर अंतर कोण बराबर है, तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो वही चीज लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि समीकरण तीन चार व पांच से, इसका मतलब कि समीकरण तीन चार और पांच से का मतलब कि इनमें एक दूसरे का यूज करके, कि तीन के अंदर अपन ने, तीन में ना इसमें चार से दो का मान और पांच से तीन का मान रख दिया, तो क्या हो गया, अपने पास आ गया ए बी सी अपॉन टू दो की जगह, तो और तीन की जगह कितना आ गया, कोण बी सी डी अपॉन टू, ये टू से टू कट जाएगा, दोनों चीज नीचे है ना, तो ए बी सी बराबर किसके आ गया, बी सी डी के आ गया, ए बी सी बराबर क्या आ गया, बी सी डी आ गया, और ए बी सी बराबर बी सी डी आ गया, जो कि क्या है, जो कि क्या है आपके पास में, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए रेखाएं ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के, यही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही तो आपको सिद्ध करना था कि ए बी किसके बराबर है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और आपकी प्रश्नावली 6.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ में भी, इसी प्रकार के वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।